हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासरूम। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एफआईआर रजिस्टर होने से लेकर फाइनल रिपोर्ट जो मैजिस्ट्रेट को सबमिट की जाती है, उसके बीच में एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है जिसे याद करने में, समझने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग आपके लिए लेके आए 8 ऐसे ईजी स्टेप्स जिसे आप अगर याद कर लें तो इस बीच का प्रोसीजर आप पूरी तरीके से हमेशा याद रख सकते हैं। और हर स्टेज को अगर आपको डिटेल में या ब्रीफली पढ़ना है तो हर स्टेज का एक सेपरेट वीडियो डला हुआ है, तो आप लॉ क्लासरूम के चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम समझते हैं सबसे पहला स्टेज। सबसे पहला स्टेज या स्टेप ये होता है कि जब कोई विक्टिम के साथ एक ऑफेंस, अपराध कमिट हो गए तो वो पुलिस स्टेशन में जाके FIR रजिस्टर करते हैं। तो जब भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो सेक्शन 154 के अंदर FIR रजिस्टर कर दी जाती है। पर जब हमें इन्फॉर्मेशन, पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो सेक्शन 155 के अंदर NCR रिपोर्ट रजिस्टर होती है। इसे हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। सो FIR रजिस्टर होने के बाद सेकेंड स्टेज होता है ऑकरेंस रिपोर्ट बनाना। तो सेक्शन 157 हमें बताता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया तो वो एक ऑकरेंस रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को भेज देता है। उस ऑकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ये लिखता है कि उसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने का पता चला और वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने जा रहा है। ये ऑकरेंस रिपोर्ट भेजने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है फाइनली इस केस का ट्रायल भी चलाने वाले हैं, तो उसको इनिशियल स्टेज से इस केस की डिटेल्स पता होनी चाहिए। और ये ऑकरेंस रिपोर्ट भेजने के बाद पुलिस ऑफिसर जो है, इस पुलिस ऑफिसर वो खुद या कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर से उस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। फिर ऐसी दो सिचुएशंस होती है जहां पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस सेक्शन 157 का जो प्रोविजो है उसमें दी गई है। तो पहली सिचुएशन जहां पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है पुलिस ऑफिसर को, वो अक्यूज्ड पर्सन के नाम से दी गई है और या तो वो केस ज्यादा सीरियस नेचर का समझ में नहीं आ रहा है पुलिस ऑफिसर को, तो ऐसे केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देगा। और सेकंड सिचुएशन जहां पे पुलिस ऑफिसर को सफिशियंट ग्राउंड्स नहीं लग रहे कि उस केस में इन्वेस्टिगेशन करना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। तो ये ऑकरेंस रिपोर्ट के साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है तो ऑकरेंस रिपोर्ट में उसको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हाँ, मैं ऐसे केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। और जो इन्फॉर्मेंट है जिसने FIR रजिस्टर करी है उसको भी वो नोटिफाई कर देता है, उसे भी बता देता है कि मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला हूँ। तीसरा स्टेज होता है ऑकरेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाना। तो सेक्शन 158 बताता है कि एक सुपीरियर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका काम ये होता है कि वो जल्द से जल्द ऐसी ऑकरेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाए। क्योंकि हो सकता है कि कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटीज की वजह से, अपने काम की वजह से ऐसी ऑकरेंस रिपोर्ट पहुंचाने में देरी कर सकते हैं, तो ताकि केस का जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द से जल्द ट्रायल हो, जल्द से जल्द जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले, इस प्रिंसिपल को आगे बढ़ाता है सेक्शन 158। सो जैसे ही ऑकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है तो मैजिस्ट्रेट अपने सेक्शन 159 के दिए गए पावर्स को यूज करता है। तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शंस दे सकता है। तो हम लोग ने अभी पढ़ा कि सेक्शन 157 के अंदर कैसे दो केसेस के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर सकता है। पर अगर मैजिस्ट्रेट को जैसी ऑकरेंस रिपोर्ट मिली और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ऐसे केस में तो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो अपनी ये पावर यूज करके इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन दे सकता है। फिर सेकेंडली कोई सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करके वो इस केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकता है, ओके। और लास्टली इस केस में वो खुद उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उस केस को खत्म कर सकता है। फिर FIR रजिस्टर होने के बाद, ऑकरेंस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेज देने के बाद, पुलिस ऑफिसर केस में करता है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन करते समय अगर पुलिस ऑफिसर मान लीजिए क्राइम सीन पे पहुंचा और उसको वहां पे कुछ ऐसे विटनेसेस मिले जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट होते हुए देखा,
तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो पुलिस ऑफिसर सेक्शन 161 के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। और मान लीजिए ऐसा केस जहां पे पुलिस ऑफिसर क्राइम सीन पे पहुंचा और उसको अक्यूज मिल गया और अक्यूज उस केस में कन्फेशन कर रहा है, तो सेक्शन 164 के अंदर पुलिस ऑफिसर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उस अक्यूज को ले जाके या उस पर्सन को ले जाके उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा लेगा। तो ये होती है हमारी फिफ्थ स्टेज। फिर सिक्स स्टेज होती है जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्शन 57 ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसको 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन करके नहीं रखा जा सकता। अगर उसको 24 आवर्स से ज्यादा डिटेन करके रखना है तो पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट से सेक्शन 167 के अंदर रिमांड लेनी पड़ती है। तो इसके बाद रिमांड का प्रोसीजर अपनाया जाता है। तो अगर आपको रिमांड का प्रोसीजर समझना है तो लॉ क्लासरूम में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाला है, मैं चाहूंगा कि आप सब वो वीडियो देखें। सो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दो ही चीजें हो सकती है, या तो पुलिस ऑफिसर को अक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एविडेंस नहीं मिलता है तो सेक्शन 169 के अंदर वो अक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा, और अगर एविडेंस मिलता है तो सेक्शन 170 के अंदर अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। एंड फाइनली सबसे लास्ट स्टेज होती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, विटनेसेस के सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, एविडेंस ले लिया जाता है, तो इस इन सब चीजों की एक फाइनल रिपोर्ट बनाई जाती है और इस फाइनल रिपोर्ट को सेक्शन 173 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है ताकि मैजिस्ट्रेट इस केस का कॉग्निजेंस ले और कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस का ट्रायल चलाए। सो गाइज ये थी हमारी पूरी 8वीं स्टेज, FIR रजिस्टर होना, फिर सेकेंड स्टेज ऑकरेंस रिपोर्ट की प्रिपरेशन, फिर थर्ड स्टेज थी उसी ऑकरेंस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजना सेक्शन 158 के अंदर, फिर फोर्थ स्टेज में जब मैजिस्ट्रेट के पास ऑकरेंस रिपोर्ट भेज दी जाती है तो वो तीन प्रकार के अपने पावर्स यूज करता है, फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेज में विटनेसेस के स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस रिकॉर्ड करना, फिर सिक्स स्टेज में अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाती है तो रिमांड ली जाती है, फिर सेवन स्टेज में या तो केस में अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है या केस को कंटिन्यू रखा जाता है, और लास्ट स्टेज होती है एक फाइनल रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट के पास भेज देना। तो मैं चाहूंगा कि इन सभी स्टेजों के सेपरेट वीडियो जो लॉ क्लासरूम के चैनल पर डले हुए हैं वो भी आप जरूर देखें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।